ओम शांति। आपका प्रश्न है कि गुलजार दादी में बाबा आते थे, पहले जब आते थे तो आवाज बदल जाती थी, अव्यक्त आवाज हो जाती थी, लास्ट में नहीं बदली, क्यों? इसी से मिलते जुलते प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो आवाज नहीं बदलती थी, गुलजार दादी में आने से क्यों बदल गई? बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसे अलग अलग भाई बहनों ने थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते प्रश्न भेजे हैं, तो मैंने उसको इस प्रकार से सेट कर दिया है। अपने प्रश्न के उत्तर को आप इसी में प्राप्त करेंगे। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा अपनी सीट पर रहती थी, शिव बाबा उनकी बाजू में आकर बैठते और बोलते थे, और बाबा कहते थे, बच्चे मैं पढ़ा तुम्हें रहा हूं, ये पास में बैठा हुआ है, इसके कान नजदीक है, ये सुन लेता है, मैं पढ़ाने तुम्हें आया हूं, ये दलाल है बीच में ये, और बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलने लग जाते थे, शिव बाबा चुप हो जाते थे, बाबा बोलने लग जाते थे, क्योंकि दोनों साथी हैं। बाबा कहते दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अब गुलजार दादी के अंदर क्या है कि मैंने दादी से पूछा, दादी बाबा कैसे आते हैं? ये मेरा सौभाग्य था, एक ही बार मौका मिला था, तब फुर्सत होती थी, भाई बहन कम होते थे, नबी की बात है। दादी ने कहा, मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, बाबा मेरी डोर खींचते हैं। मैंने बहुत क्लोज दादी को देखा, जिस समय बाबा आते हैं उससे पहले दादी कैसे अपने शरीर को छोड़ती है और कैसे बाबा उनके तन में आते हैं, कैसे मुरली चलाते हैं, कैसे दादी शरीर को छोड़। यहाँ मैं अपना एक अनुभव शेयर करूँगा जो मेरे लिए बड़ा वंडरफुल था, कि मैं दादी के बिल्कुल क्लोज देख रहा था, बिल्कुल क्लोज, मेरी उनकी आंखों पर एकदम नजर टिकी हुई थी कि कैसे ये निकलेंगी। उस दिन ये वंडरफुल सीन था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, दादी बिल्कुल एकदम ऐसी स्टेज में मैं देखता था, क्या बिल्कुल अब ये छोड़ने वाली हैं, अब ये शरीर छोड़ेंगी, अब ये शरीर छोड़ेंगी, और दादी नॉर्मल हो गई। गीत एक बज गया, दो बज गया, तीसरा गीत भी बज गया, तीसरी बार तो दादी शरीर नहीं छोड़ पा रही। नॉर्मली दादी शरीर छोड़ती थी, थोड़ी देर के बाद बाबा आते थे, फिर आंखें खुलती थी और फिर बाबा देखते थे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक बाबा दृष्टि देते रहते थे। तो उस दिन दादी शरीर ही नहीं छोड़ पा रही है। और क्या देखता हूं, दादी शरीर छोड़ती हैं और बाबा आ जाते हैं, नो ब्रेक। दादी शरीर छोड़ती हैं और बाबा आ जाते हैं। अब बाबा ने मुरली थोड़ा समय चलाई, क्योंकि दादी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, और सारे दादी के सामने बैठ गए कि दादी ने, बाबा ने जाना है। अब वही पोजीशन जो दादी की पोजीशन थी, मैं देख रहा हूँ कि बस बाबा अब निकलेंगे, बस अब निकलने वाले हैं,
एक दो बार बाबा ने निकलने की कोशिश की और वापस, और डॉक्टर को बुलाया, गीत चल रहा है, डॉक्टर को बुलाया, और बाबा ने डायरेक्ट डॉक्टर को क्या कहा वो मैं नहीं सुन सकता, परंतु उसने जो भी डायरेक्शन डॉक्टर को दिए, और डॉक्टर को देने के बाद बाबा बिना ही गीत के ऐसे गए और दादी आ गई। क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, वहां वेट नहीं करना पड़ा कि दादी आएगी। अब तबीयत तो और खराब होती गई दादी का शरीर, अब दादी शरीर को छोड़ नहीं पा रही, और बाबा को बच्चों से बात करनी है, तो बिना ही दादी के शरीर छोड़े बाबा आ गए, दोनों आ गए, तो आवाज चेंज नहीं होगी। आवाज चेंज नहीं होगी। अब हालत तीसरी जुड़ जाती है कि जहां बार बार दादी को कहा जाता है, दादी कहती मैं दिल्ली में हूं, दादी की बुद्धि दिल्ली में अटकी हुई है, वहां तीन बोल रहे हैं, बाबा भी बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा भी बोल रहा है, और दादी भी बोल रही, क्योंकि दादी उससे थोड़ा ही दिन पहले ओआरसी होकर गई थी, दादी की बुद्धि में ओआरसी बैठा हुआ था, दिल्ली बैठी हुई थी, दिल्ली का प्रभाव बहुत ज्यादा था, और उसके बाद दादी माउंट आबू में आई थी, और जिसके कारण बार बार याद दिलाना पड़ता था बाबा आप माउंट आबू में बैठे, बाबा तो माउंट आबू में बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में, उनको मालूम, परंतु दादी जो बीच में बोल देती है, क्योंकि वो भी तो बैठी है ना, वो अलग नहीं हुई है, अलग नहीं हो पाई है, इसी कारण आवाज चेंज नहीं होती थी, इसी कारण ऐसा लगता था। ये जो मुझे अनुभव हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने कोई साक्षात्कार नहीं किया, ये मेरी उस समय की जो अनुभव है वो मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है कोई सहमत हो कोई ना हो, क्योंकि बाबा ने मुरली में ये कोई बात नहीं बताई है, वो तो ये मेरा अपना अनुभव है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी और अच्छी तरह से समझने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, और स्पष्टीकरण के लिए आपके पास प्रश्न हो या कोई और प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओम शांति।